नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 28। तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में परासिया विधानसभा में सौरभ ताराचंद बाबरिया द्वारा निशुल्क फिल्म प्रदर्शन कार्यक्रम। 500 कार्यकर्ताओं व मात्र शक्ति बड़े बुजुर्ग निशुल्क फिल्म प्रदर्शन कार्यक्रम द कश्मीर फाइल्स दिखाई। परासिया विधानसभा में आज प्रत्येक मंडल से युवाओं, महिलाओं एवं पुरुष वर्ग को पिछली बार कोरोना काल समाप्त होने के बाद भी युवाओं को फिल्म सूर्यवंशी दिखाई गई थी और इस बार कश्मीर द फाइल्स निशुल्क फिल्म दिखाई गई, जिसमें हमारे देश मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर पंडितों पर सत्य घटना पर आधारित फिल्म में देशभक्ति के नारे का उद्घोष करते हुए भारत माता की जय के नारे से सिनेमा हॉल गूंज उठता है, जिसमें कार्यक्रम मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रभान चौधरी, पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया, नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, परासिया विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्ष राजेश दुबे, पूर्व विधानसभा प्रभारी मोतीलाल राय, अतोंदय समिति अध्यक्ष जगदीश पाल, परासिया विधानसभा के सभी कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हुए। स्वागत उद्बोधन सौरभ तारा चंद बाबरिया ने किया। परासिया संवाददाता जगदीश पाल की रिपोर्ट। तय किया कि परासिया विधानसभा के पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग सभी लोगों को लगभग 500 लोगों को निःशुल्क मूवी दिखाने का ऐसा कार्यक्रम आज तय किया था। इस मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय चौधरी चंदमान जी थे, पूर्व विधायक श्री ताराचंद बावरिया जी थे और परासिया विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्ष हमारे भाजपा के भी और युवा मोर्चा के भी उपस्थित थे एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। हम सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि द कश्मीर फाइल्स दिखाना बहुत आवश्यक है।